जेमिन के लोग कहते हेमंत है तो हिम्मत है, यानी हेमंत सोरेन के राज्य में भी अपराधियों के भी हिम्मत है। तभी इस प्रकार के वो लोग को कृत्य करते हैं। और इसीलिए मैं आज सब लोगों से यही कहने के लिए आ रहा हूं कि आज इस प्रदेश के अंदर में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ी हुई है। आखिर ये परिस्थितियां क्यों पैदा हो, अगर इस प्रकार की स्थिति के पैदा होने के पीछे का कारण क्या है। और इसलिए डुमरी विधानसभा क्षेत्र की ओर लोग देख रहे हैं क्योंकि यहां उपचुनाव हो रहा है, और उपचुनाव ऐसे समय में हो रहा है जब झारखंड में सारे 3 वर्षों से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार चल रही है। अब उस सरकार ने जितनी भी वादा किए थे, पहले तो इन्होंने नौजवानों के लिए वादा किया था कि हम 5 लाख लोगों को साल में रोजगार देंगे, अगर हमने रोजगार नहीं दिया तो उनको हम भत्ता देंगे। और ये कोई चुनावी मंच पर नहीं बल्कि झारखंड के विधानसभा में उन्होंने घोषणा किया था। आज भी झारखंड के विधानसभा में वित्त मंत्री का भाषण है, उस किताब में आज भी उल्लेखित है। लेकिन सारे 3 वर्ष के होने के बाद भी एक भी नौजवानों को कहीं कोई भत्ता नहीं मिला। रोजगार के नाम पर आप देख रहे होंगे लगातार लोगों को ठग रहे हैं। पहले बार बार वो कहते हैं कि ये साल नियुक्ति का वर्ष रहेगा, लेकिन वो साल भी गुजर जाता है, नियुक्ति होती नहीं है। और कभी वो स्थानीय नीति के नाम पर लोगों को उठा करके रखते हैं, कभी नियोजन नीति के नाम पर लोगों को उठा करके रखते हैं। अगर आप कहें तो इन सारे 3 वर्षों में झारखंड के नौजवानों को ही सरकार ने ठगा है। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही निवेदन करने के लिए, अपील करने के लिए आया हूं, जो लोग अपनी वादा को पूरा नहीं करते, अपनी वादा को निभाते नहीं है, फिर उन लोगों को फिर से हमें सत्ता में बैठाने की कोई जरूरत नहीं है। और इसीलिए मैं आप सब से यही कहने के लिए आया हूं। आपने देखा पिछले दिनों जब रामगढ़ का चुनाव हुआ तो वहां की जनता ने सरकार को बता दिया कि आपकी कोई जरूरत नहीं है झारखंड में, अब बारी है डुमरी के मतदाता भाई और बहनों की। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही निवेदन कर रहा हूं कि आप तो इस बार उनको बता दीजिए कि अब झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की कोई जरूरत नहीं है, इन्होंने यहाँ के नौजवानों को ठगा है, झारखंड वासियों से इन्होंने झूठ बोला है। यही मैं निवेदन करने के लिए, यही बताने के लिए मैं आया हूं। आज इस प्रदेश के अंदर में आप देखें कि राज्य सरकार से हम लोग क्या उम्मीद करते हैं। राज्य सरकार से हम लोग उम्मीद करते हैं सरकार होगी तो कानून की राज रहेगा, लोग बहुत बेटियां सुरक्षित रहेगी। लेकिन आज झारखंड प्रदेश में देखते हैं कि आए दिन चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण हो रहा है। बहुत बेटियां भी यहाँ आज सुरक्षित नहीं है, यहां तक कि आप देखते होंगे कहीं पर पेट्रोल छिड़क करके उन्हें आग लगा दिए जाते हैं, और कहीं पर तो मार करके उनको पेड़ में टांग दिए जाते हैं, और कहीं पर तो उनको 50 मार करके 50 टुकड़ों करके फेंक दिए जाते हैं। और जेएमएम के लोग कहते हेमंत है तो हिम्मत है, यानी हेमंत सोरेन के राज्य में भी अपराधियों के भी हिम्मत है। तभी इस प्रकार के वो लोग को कृत्य करते हैं। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आ रहा हूं कि आज इस प्रदेश के अंदर में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ी हुई है। आखिर ये परिस्थितियां क्यों पैदा हो, अगर इस प्रकार की स्थिति के पैदा होने के पीछे का कारण क्या है। मैं आपको इस बात का कहने के लिए आया हूं क्योंकि तो जिसका काम था अपराधियों को पकड़ना, पुलिस का काम होता है अपराधियों को पकड़ना, उनको जेल में डालना, उनको सजा दिलाना, लेकिन आज इस झारखंड प्रदेश में हेमंत सोरेन ने पुलिस को किस काम में लगा दिया, चोर को पकड़ने के लिए नहीं, अपराधियों को पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि पुलिस को उन्होंने लगा दिया है वसूली के काम में लगा दिया है।
आज पुलिस चारों तरफ देखे कहीं भी वो वसूली में लगे हुए। अगर आपको किसी गुंडों ने अपराधियों ने मार दिया, आपकी सर से अगर खून भी टप टप गिर रहा है, थाना चले जाइए तो पहले आपसे पैसा मांग करेंगे, तभी फिर आगे की वो कार्रवाई करेंगे। ये इस राज्य की ये हालत है। अगर आप उन अफसरों से पूछते हम लोग कि ऐसे क्यों करते हो, आपको तो लाख रुपए का वेतन मिलता है, तो कहता है कि और महीना में देना पड़ता है, दे करके आए हैं। जैसे आप सब लोग मोबाइल को रिचार्ज करते हैं, कोई महीना में करते हैं, कोई तीन महीना में करते हैं, कोई साल भर में करते हैं, तो आज झारखंड में जो भी कर्मचारी पदाधिकारी जो पदस्थापित है वो भी उसी प्रकार से दे करके आते हैं, और प्रत्येक महीना में, दो महीना में, कोई चार महीना में मोबाइल की तरह वो रिचार्ज कराते हैं, और इसलिए वो सब लोग वसूली में लगे हुए। ये झारखंड की स्थिति है, और इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं कि भाई आपका जो इस राज्य में जब तक हेमंत सोरेन की सरकार रहेगी, जब तक इस प्रदेश में जेएमएम की सरकार रहेगी, इस राज्य में कभी भी कानून की राज स्थापित नहीं होगा। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए मैं आया हूं। और वो अपने को क्या कहते हैं, आदिवासियों के बड़ा हिने क्या कहते हैं, हितेशी है, आदिवासियों की बड़ी बड़ी वो बातें करते हैं। लेकिन आप जरा याद करिए, इसी क्षेत्र में यही से बताया हम लोगों ने, क्या नाम था, हेमलाल, हेमलाल परगने यहीं से विधायक थे। लेकिन आज क्या है, उनका कोई अता पता नहीं है, उनका कोई स्मारक भी कहीं नहीं बना, उनके नाम से कोई द्वार कोई गेट ऐसा भी कुछ कहीं दिखता नहीं है। हमने अभी पूछ रहे थे लड़के से कि भैया बताओ उनके यहाँ कौन रहता है, तो हमको तारकेश्वर जी बताए कि भाई कोई हमें पता नहीं है कौन रहता है, कहाँ है, लोग नहीं है। तो कहने का अर्थ है जो यहाँ से विधायक रहे और इतने वर्षों तक यहाँ से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक रहे, आज तो उनकी सरकार है, लेकिन तब भी आप देख रहे होंगे इस प्रकार से यह ओपेसी पड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपके इस बार भारतीय क्या कहते हैं, आज सौ गठबंधन को, एनडीए गठबंधन को, आज सौ के प्रत्याशी को, यशोदा देवी जी को आप जिताइए, तो निश्चित रूप से उनके जो यहाँ सम्मान जो मिलना चाहिए, गांव आते ही लोगों को ये पता चलेगी, तो उसके लिए यहाँ पर हम सब लोग व्यवस्था करेंगे। यही आज सब लोगों से यही निवेदन कर रहा हूँ, यही अपील कर रहा हूँ। आज इस प्रदेश के अंदर में क्या चल रहा है, चारों तरफ लूट मची हुई है, बालू की लूट है, पत्थर की लूट है, कोयला की लूट है, लोहार की लूट है, यहाँ तक की जमीन की भी लूट है, चारों तरफ इस झारखंड में लूट ही लूट मचा हुआ है। और उस लूट में इस प्रदेश की सरकार में बैठे हुए लोग, मुख्यमंत्री के परिवार खुद उस लूट में लोग शामिल है। जो कहता है कि हम महाजन के विरोध में लड़ते थे, लेकिन महाजन के विरोध में लड़ते लड़ते आज तो सबसे बड़ा महाजन अगर कोई है तो शिबू सोरेन के परिवार है। अब इस परिवार ने रांची से लेकर के पूरे झारखंड में जहां कहीं भी जाएंगे, इतनी सारी जमीनें इन्होंने हड़प रखा है लोगों की, गरीबों की, औने पौने दाम पर,